जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस भर्ती का इंतज़ार करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का एक नया अपडेट। इससे पहले 2 या 3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत साहब ने खुद ये जानकारी दी थी कि राजस्थान में पुलिस में 8,600 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें दोनों ही तरह के पद रहेंगे, कॉन्स्टेबल और SI के। और उसी से जुड़ी हुई न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में भी आई है। उस दिन काफ़ी विद्यार्थियों को ये लग रहा था कि ये न्यूज़ फेक है, तो आज की न्यूज़ से आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। और पुलिस भर्ती की क्या स्थिति है, कब तक आने की संभावना है, सारी बातें आपको आज की न्यूज़ से समझ में आ जाएगी। तो न्यूज़ पर चलते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ मत देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये न्यूज़ कब की है। दैनिक भास्कर जयपुर गुरुवार 20 जून यानी कि ये आज ही की न्यूज़ है। अब देखिए, अब इस न्यूज़ में क्या दिया गया है। कांस्टेबल भर्ती 8,600 पद भरने को तैयार, मुख्यालय सरकार का इंतज़ार। यानी कि पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल और SI के पदों, SI की भर्ती तो खैर RPSC करवाती है और कांस्टेबल की भर्ती पुलिस मुख्यालय के द्वारा करवाई जाती है। तो पुलिस मुख्यालय तैयार है, अब सरकार से परमिशन मिलने का इंतज़ार है। और 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके ये बात कही थी कि राजस्थान में पुलिस विभाग में 8,600 पदों पर भर्ती होगी। उससे संबंधित वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उस वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। ये वीडियो हमने अपलोड किया था। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भर्ती की घोषणा कांस्टेबल और SI के, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और आज की न्यूज़ पर अब मैं बात करना चाहूँगा। आज की न्यूज़ में देखिए क्या जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही पुलिस महकमे में कांस्टेबल के 8,600 पदों पर भर्ती होने की संकेत देकर बेरोजगारों को राहत दी थी, लेकिन अभी तक सरकार ने पुलिस मुख्यालय को चिट्ठी लिखकर भर्ती प्रक्रिया के प्रस्ताव नहीं मांगे हैं। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी सरकार की चिट्ठी का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार से चिट्ठी मिलने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा कि किस ज़िले में कांस्टेबल के कितने पद खाली है, तो ये देख लीजिए। और देखिए, सरकारी काम है, कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप मान के चलिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल और SI की भर्ती कंफर्म आने वाली है। और अभी कल भी एक न्यूज़ आई थी कि RPSC को भी सरकार ने परमिशन दे दी है कि भर्तियां निकाली जाए। उससे संबंधित भी अभी कल जानकारी आई थी इसके बारे में। अभी चलिए आगे देखिए, न्यूज़ में देखिए आगे क्या जानकारी दी गई है। वहाँ पर कितने पदों पर, किस कैटेगरी में कितने पुलिस कर्मियों का भर्ती की जाएगी, सभी जिलों की पुलिस की रिपोर्ट तैयार करने के बाद प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। उस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती की प्रक्रिया को आगे शुरू किया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों की मीटिंग ली थी। मीटिंग में कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया था। और यहाँ देखिए, प्रदेश में 8,295 कांस्टेबल के पद हैं, जबकि महकमे में वर्तमान में करीब 70,000 कांस्टेबल ही तैनात हैं। ऐसे में मीटिंग में कांस्टेबल के 8,600 पदों पर भर्ती करने का निर्णय किया गया था। और देखिए, सबसे खास बात क्या है यहाँ पे, देखिए खास बात यह है कि इसकी जानकारी CM गहलोत ने खुद के ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी। कोई न्यूज़ पेपर में ये जानकारी नहीं आई थी, मुख्यमंत्री जी ने खुद के ट्विटर अकाउंट से शेयर की थी। मतलब बात में दम है, भर्ती होने की पूरे चांस है आने वाले समय में, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आगे आप देखिए, यहाँ देखिए जो DGP हैं कपिल गर्ग, उनका क्या कहना है। अभी चिट्ठी नहीं मिली है, कांस्टेबल पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। अभी तक सरकार से चिट्ठी नहीं मिली, चिट्ठी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अब जैसे ही ये इन्हें पत्र मिलेगा और कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया आगे शुरू हो जाएगी। तो ये आज का अपडेट था, बिल्कुल सारी जानकारी आपके सामने है। और जो विद्यार्थी पुलिस में जाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन भर्ती से पहले जो तैयारी स्टार्ट करते हैं उन्हीं का होता है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप घर बैठे लाइव क्लासेस आप लेना चाहते हैं, राजस्थान GK, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, सभी की क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन का प्लान आप ले सकते हैं।
इस प्लान के लिए रेफरल कोड का आप यूज़ करें जो हमारे चैनल का नाम है राजस्थान जीके स्टोर। इस कोड का यूज़ करने से आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। और पुलिस भर्ती से जुड़े हुए अपडेट आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जैसे ही कोई पुलिस भर्ती और राजस्थान की अन्य भर्तियों से जुड़ी हुई हमें न्यूज़ मिलेगी उसका वीडियो तुरंत चैनल पर अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।